अयोध्या को लेकर देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उद्धव ठाकरे जी भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो हम लोग अंदर के राम हैं, भगवान राम जो हमारे अंदर के राम हैं, उनका मंदिर अब बच जाना चाहिए। इस पर राजनीति बिल्कुल होनी नहीं, सब राजनीति पर बैठ जाना चाहिए। राम मंदिर निर्माण समिति जो है उसको मंदिर करें और सारे लोग सहयोग करें, ये अब मतलब मुद्दा नहीं रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में और भगवान राम के मंदिर को लेकर के इतनी उठा पटक होगी तो कष्ट होता अंदर से। हम कांग्रेस पार्टी से हैं, कोई और पार्टी से इस पर और कुछ कहे, लेकिन मैं दिल की बात कहता हूँ। अभी शायद मेरी धर्मपत्ती में एक मिनट बुला रहा हूँ, हम गए थे अभी दिवाली जाते हैं राजनाथ सिंह जी के यहाँ, उनके यहाँ विश करने जाते हैं, तो वहाँ हम गए तो हमारी वाइफ जो हमारी धर्मात्मा कहते हैं वो जाकर के उनकी राजनाथ सिंह जी धर्मपत्ती से कहा कि दीदी वो मंदिर का बनवाने जल्दी बोलिए भाई साहब करें। बोले मैं तो रोज़ बोलती हूँ, आज आप बोल दीजिए। तो ये गई और राजनाथ सिंह जी बैठे जूठे खड़े हुए, बोले नमस्ते भाभी और सब ठीक है? इनका भाई साहब कुछ ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले कि राम मंदिर नहीं बनेगा तो मुझे लगता कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो इनका भाव जग गया, रोने लगी। तो मुझे लगता है राम मंदिर बनना ही चाहिए। राम मंदिर बनना इसलिए चाहिए कि जो आस्था हम लोग है, आपकी है, हमारी है, करोड़ों लोगों की है, उस आस्था को मंदिर बन जाए। सर लेकिन चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्या सरकार पे प्रधानमंत्री पे दबाव बनाने की कोशिश है? हम कहते हैं दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, बन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हों या देश के कानून मंत्री हों या गृह मंत्री जी हों या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हम सब लोगों को मतलब और तड़पाए नहीं भगवान राम के मंदिर। लेकिन जिस तरह से हमका और तेवर अपनाया रहता है शिवसेना अलायंस पार्टी होने के बावजूद, राम मंदिर के मुद्दे पे वो खुद जा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी अयोध्या। अब ये तो उनकी आपस की बात है, सरकार बनाते हैं, साथ रहते हैं, सुलझ झगड़ते हैं, क्या करते हैं। बट हम जो चाहते हैं या हमारी धर्मपत्नी चाहती हैं या ऐसे करोड़ों लोग चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। कल भी देव दिवाली पे कहीं सरसों पिघले की जगह है, ये हमारी आस्था है। माँ गंगा घर बैठ के मैं मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ भी मैं थोड़े समय वो राजभवन के सॉरी राजघाट पे थोड़े समय हमने बिताए वहाँ।